नमस्कार दोस्तों, आप सबों को एडियल डिफेंस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे और मैंने देखा भी कि लगभग पिछले 6 महीना से वो रनिंग कर रहे हैं। उनकी रनिंग बहुत बेहतरीन बोला जाए, एक्सीलेंट मारने वाला बंदा, ठीक है, चेस्ट भी 80+ है, उसके बावजूद भी वो भर्ती में डिस्क्वालीफाई होके चले आए। अब ज़रा बताइए, ये कंडीशन जिस व्यक्ति पर गुजरता है उसको कैसा महसूस होता होगा, ज़रा आप सोच के देखिए। अगर इस परिस्थिति में हम भी हो, मुझे कितना दुख होगा। मैंने पूरा अपना 100% उस रनिंग के पीछे दिया है। आर्मी रैली में रेस को क्रैक करने के लिए जो क्राइटेरिया होता है उसको मैंने पूरे 6 महीना से फॉलो कर रहा हूँ, प्रॉपर डाइट सब कुछ। और उसके बाद भर्ती में सारा कुछ निकलने के बाद अगर चेस्ट में लोग छट के चलाता है तो फिर उसे कैसा लगता है, आप जरा सोचिए। तो यही मैं बताने वाला हूं कि क्या कारण से वो चेस्ट में छट जाते हैं। एक्चुअली देखा ऐसा गया है कि सबसे बड़ी चीज है कि चेस्ट तो आप बना सकते हैं, ठीक है, चेस्ट बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चेस्ट को जो फुलाना होता है वो सबसे बड़ी बात होता है। जैसा कि आप मेरा चेस्ट देख पा रहे हैं, नॉर्मल मेरा 87 या 88 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेकिन अगर मैं फुला नहीं पाऊं तो क्या लगता है, भर्ती हो जाएगी मेरी? जी नहीं, क्योंकि उसका जो क्राइटेरिया है 77 सेंटीमीटर, वो तो मेरा नॉर्मल होना ही चाहिए, और किसी भी परिस्थिति में 5 सेंटीमीटर मेरा फुलाव होना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बस कुछ ही सेकंड में आप अपने चेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा सांस भर सके और अपनी चेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फुला सके, यहाँ तक कि 10 से 12 सेंटीमीटर हम आपको फुला के बताएंगे। तो कैसे फुलाना है यही मैं बताऊंगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप नॉर्मल खड़ा हैं, ठीक है, उसके बाद आपका चेस्ट जो है नापा जाएगा। अब बात रही कि कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है कि सर चेस्ट कहाँ से नापा जाता है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो निप्पल है ना, निप्पल देख रहे हैं, बस इसके नीचे से चेस्ट लिया जाएगा, ऐसा नहीं कि ऊपर से, यहाँ से लेके यहाँ से चेस्ट नापा जाएगा। और जब आपको नापेगा तो नॉर्मल आपको खड़ा हो जाना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि जब नापेगा तो आपको अंदर में सांस रखना है, जी बिल्कुल नहीं। जब वो करेंगे तो आपको अपने जो आइज है वो दोनों आगे रखना है, ठीक है, थोड़ा सा आपको जो है सो अपने सिर को नीचे की ओर डाउन करना है थोड़ा सा, ठीक है, और नाक और मुंह दोनों से सांस निकालना है। इससे क्या होता है कि आपके अंदर जो भी सांस भरा हुआ है, जिसके कारण आपका थोड़ा सा भी चेस्ट अगर फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका चेस्ट नपा जाएगा, उसके बाद आप फुलाएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ऐसे आप फुला देंगे, आपका 88 मान लेते हैं या 85 नाप लिया गया, उसके बाद आपको फुलाने के लिए बोलेगा आपका चेस्ट फुलेगा नहीं, आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। इसलिए क्या है कि आपको सबसे पहले चेस्ट को नॉर्मल रखना है। जब नॉर्मल नाप लेंगे, क्योंकि 77 सेंटीमीटर कोई ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम है, ठीक है, वैसे भी नॉर्मल व्यक्ति का पुर जाता है, और अगर आप रनिंग करते हैं दबा के और पुशअप वगैरह डिप्स वगैरह सपाट वगैरह लगाते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया एक्सरसाइज में, ठीक है, आप उसे देखिए, ऐसा अगर करेंगे तो आपका चेस्ट कम भी है फिर भी आपका 5-7 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएगा बस 15 से 20 दिन में। अब जो एक्सरसाइज है मेरे यूट्यूब पर है, आप जाके पूरा सर्च करें, प्लेलिस्ट में भी मैं बनाया हूँ हर चीज़ का, चेस्ट कैसे है, चेस्ट कैसे इंक्रीज किया, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट में जाके आप मेरा चेक करेंगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि अब बात रही कि जब आपको चेस्ट नॉर्मल नापा जाएगा तो आपको नॉर्मल खड़ा हो जाना है, और उसके बाद में क्या है, जब चेस्ट आपका नाप लिया जाएगा, जब आपको फुलाने के लिए बोला जाएगा, तो आराम से आप ऐसे करके खड़ा हो जाएंगे, ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे वैसे कुछ नहीं, ऐसे करके ऐसे करेंगे तो मार देगा, ठीक है, नॉर्मल में करना है, ऐसा नहीं कि ऐसे करके नापे, आप ऐसे कर दिए तो उसका फित्ता छूट के आपको मार के भगा देगा, बोलेगा ये लड़का पागल है, ठीक है, इसलिए नॉर्मल से एकदम रहना है। और जैसे आपको चेस्ट फुलाने के लिए बोला जाएगा बस ऐसे करके करना है, और यहाँ देखिए जरा हमको थोड़ा सा आगे की ओर डाउन होना चाहिए, दोनों हाथ को करना है, ठीक है, और मुंह और नाक दोनों को खोलना है और इसे करना है, देखिए फिर से एक बार दिखाता हूं, देख पा रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि नॉर्मल खड़ा होना है, जैसे आपको फुलाने के लिए बोला जाएगा थोड़ा सा डाउन होना है, हाथ को दोनों आगे करना है, झुकना है और अंदर में सांस भरना है पूरा ज्यादा, देख रहे हैं, तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। और जब अपने हाथ को भी थोड़ा सा टाइट करेंगे तो ये वाला भी आपका जो बेक है ये भी निकल जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के 12 से 15 सेंटीमीटर तक आप
चेस्ट को फुला सकते हैं। फुलाना बहुत नॉर्मल है, बस तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा झुक के सांस लीजिए और चेस्ट को फुलाइए। और मैं बता देता हूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी आपको दिक्कत होती है तो उस दिक्कत से आप मत घबराइए, ठीक है। अरे बहुत सारे ऐसे YouTube पर पड़े हुए जहां से कि आप देख के खुद अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए प्रॉब्लम को एकदम जल्दी से सॉर्ट आउट कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत हो। और रनिंग दबा के कीजिए, सारा कुछ प्रॉपर लीजिए, ठीक है। और फिर भी कोई दिक्कत होता है तो मेरा ईमेल है, अबाउट में जाके मेरा देख सकते हैं, ईमेल है, उस ईमेल पर पर्सनल कमेंट करेंगे मुझे। और मैं उतना प्रोफेशनल नहीं हूं, ठीक है, या मैं उतना सेल्फिश नहीं हूं कि मैं आपको रिटर्न नहीं करूंगा। मैं तुरंत आपको बेक तुरंत मेल करूंगा और आपकी क्वेश्चन जो रहेगी उसका मैं आंसर दूंगा, यहां तक कि मैं आपसे पर्सनली संपर्क भी बनाऊंगा, ठीक है। इसलिए बेहिचक आप एकदम अच्छे से तैयारी करें। और मैं तो यही चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारा इंडिया की जो व्यक्ति है वो फौज में जाए और देश की रक्षा करे, ठीक है। और आप भी अपने सपने को साकार करिए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।